बिजली का कारखाना, भारतीय इंजीनियर और पाकिस्तान हुक्मरान, मुल्क दुश्मनी का ये कैसा गठजोड़ है और इसका असल मकसद क्या है? हुक्मरानों की भारत दोस्ती की हकीकत क्या है? इसका पर्दा आखिरकार चाक हो ही गया। शरीफ खानदान की बदनामी जमाना रमजान शुगर मिल में भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंट इंजीनियर्स के रूप में दाखिल हुए। बाहर उनका काम चीनी के कारखाने में बिजली पैदा करने का प्लांट लगाना था, लेकिन हकीकत में मुल्क की जड़ें खोखला करना। 37 से ज्यादा भारतीय इंजीनियर्स शरीफ खानदान की इस मिल में काम के लिए बुलाए गए, लेकिन उनको वीजे जारी करते हुए ऐसी रियायतें दी गयी जो भारत से आने वाले मुसलमानों के नसीब में भी नहीं होती। मल्टीपल वीजा, सिक्योरिटी एजेंसियों की पूछताछ से आजादी और मुल्क भर में घूमने का परवाना। इनमें से 14 अफराद अक्सर बेशतर भारत आते जाते रहते थे, जबकि 26 शुगर मिल में ही रहते थे। भारतीय इंजीनियर के वीजे के मुताबिक रसाई तो सिर्फ चनियोट शहर तक थी, लेकिन सरकारी प्रोटोकॉल में उनको मुल्क भर में घूमने की आजादी थी। लांबी शरीदार, श्रीनिवासन, सुरेश राव, रतनकार, तेजराज, नवासन राव और कितने ही नाम गिनवाए। 37 लोग तो रमजान शुगर मिल में ही मौजूद है, जिनकी फहरिस्त पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी के पास मौजूद है। और ये सब रियायतें कैसे मिली और किसके कहने पर मिली? जी हाँ, हुक्मरानों की जाती जमानतों पर यह सब कुछ हुआ। भारतीय जासूसों को टेक्नोलॉजी तआवुन के नाम पर मुल्क के चप्पे चप्पे से मालूमात हासिल करने की खुली छूट। बिजली बनती रहती, मिल चलती रहती और मुल्क की राज दुश्मन को बिना किसी मेहनत के मिलते रहते, लेकिन मुल्क के लिए मरने वाले बहुत से लोग अभी जिंदा हैं। मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसियां इन इंजीनियर्स के नाम और काम पर गुज़िश्ता 8 बरस से नजर रखे हुए थी। शरीफ फैमिली की एक और शुगर मिल से 2 भारतीय इंजीनियर धर लिए गए, जो बदनामी जमाना भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए क्या काम कर रहे थे और कब से कर रहे थे, क्या क्या राज पहुंचा चुके थे, उनका नेटवर्क क्या है, कई सवाल पूछे जाएंगे और कई राजों से पर्दा उठेगा। 2 भारतीय एजेंट तो पकड़े गए, लेकिन अभी 35 और भी हैं जिनको शरीफ खानदान की खसूसी हदायत पर सहूलतें भी मिली, रायतें उनका भी मुकद्दर बनी। एक बड़ी मिसाल एक ऐसे इंजीनियर की है जिसको शरीफ खानदान के दबाव पर 10 बरस का मल्टीपल वीजा जारी हुआ। पाकिस्तान भर में घूमने की खुली छूट दी गयी, भारत आने जाने की भी आजादी मुयसर है। इन हालात में भारतीय बाशिंदे जो इंजीनियर्स के नाम पर जासूसी का घिनौना खेल खेल रहे हैं, इनका भारतीय एजेंसी के साथ तो ताल्लुक समझ में आता है, लेकिन हुक्मरान जमात के कर्ता धरता खानदान की बगल में ये सब कुछ कैसे हो रहा था और कब से हो रहा था? नवाज शरीफ भारत जाएं तो जनरल खानदान की दावतें उड़ाएं, और पाक भारत ताल्लुकात की कशीदगी के बावजूद वजीर आजम की नवासी की शादी में मोदी मेहमान बनकर आएं, और अब रमजान शुगर मिल में रॉ के नेटवर्क की मौजूदगी इस बात का खुल्लम खुल्ला सबूत है कि जाति उमरा से आने वाले शरीफ खानदान की अपने आबाई वतन से मोहब्बत अभी तक जिंदा है, और इसे जिंदा रखने के लिए शरीफ हर बदमाशी करने को तैयार है, चाहे वो पाक फौज के खिलाफ सियासी महाज हो या वतन की मिट्टी का सौदा करने की मकरूह साजिश।